देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और आज की शुरुआत से पहले एशियाई बाजारों से खासतौर से जो संकेत है वो काफी खराब है क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी अब 104 अंक नीचे कर रहा है ट्रेड। तो ये एक अहम संकेत है जो कि कमजोरी का इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे में सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आज के लिए कौन से अहम संकेत हैं जो बाजार का मूड करेंगे तय, या फिर आज के लिए अहम खबरें क्या हैं। अमेरिका के बाजार तो कल बढ़कर बंद हुए हैं लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं हुई है एशियाई बाजारों की। सेंसेक्स निफ्टी 10780 के नजदीक अब कर रहा है ट्रेड, भारी गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। ब्रेंट, यहां पर हमने अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल देखा, कल के कारोबार में ब्रेंट $86 के पार निकला, अभी $86 के नजदीक कर रहा है ट्रेड। रुपए में एक बार फिर से कमजोरी हुई है हावी और कल रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया बंद हुआ ₹73.34 पर। और आज कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने रुपए की कमजोरी पर और साथ ही बढ़ते वित्तीय घाटे पर एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में अलग अलग सेक्टर्स के जो तमाम दिग्गज हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही आईएनएफएस बोर्ड जो नया गठन हुआ है उसकी आज पहली बैठक है, तो ये बैठक भी काफी अहम रहेगी कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या चर्चा इस बैठक में होती है। लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी कैसा कारोबार हो रहा है, उसके बाद समझेंगे कि इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है। सेंसेक्स निफ्टी अब 104 अंक नीचे, 107 अंक इनफैक्ट अभी लुढ़क चुका है और 10775 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। मानसी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जान लेते हैं कि इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है। मानसी बताइए, ये सेंसेक्स निफ्टी अब 112 अंक क्यों लुढ़का हुआ है, क्या वजह रही, क्योंकि अमेरिका के बाजार तो बढ़कर बंद हुए हैं, फिर ये एशियाई बाजारों की इतनी कमजोरी के पीछे की वजह। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद हुए और इसी के साथ अंदाजा ये भी लगाया जा रहा था कि एशियाई बाजारों की भी शुरुआत अच्छी ही होगी, लेकिन उसके विपरीत सेंसेक्स निफ्टी लगभग 112-115 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। खास तौर से कल के दिन कुछ ऐसे अहम फैसले हुए, कुछ ऐसे बयान भी आए जिसके चलते हो सकता है कि एशियाई बाजार इसके कारण कुछ हद तक इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एशियाई बाजार में फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल ने एक बयान दिया इंटरेस्ट रेट्स पर। उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि यूएस सेंट्रल बैंक रेटिंग से काफी दूर है, तो कुछ हद तक ये एक खबर है जिसके चलते एशियाई बाजार हल्का सा इंपैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही सत्र के चलते चलते बाकी इंडेक्स किस तरह से कारोबार करते हैं ये भी देखना होगा। और साथ ही अगर बात करें तो यूएस में अमेरिकी बाजार तेजी के साथ कल बंद होने में कामयाब रहे थे। खासतौर से यूएस में प्राइवेट पेरोल्स में 230,000 का इजाफा हुआ जो कि पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है और इस रिपोर्ट को अक्सर सरकार के नॉन फार्म पेरोल डेटा के साथ एक प्रीव्यू के तौर पर देखा जाता है और कल ही शुक्रवार को नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आएंगे, तो इससे कुछ हद तक अमेरिकी बाजार की दिशा भी तय हो पाएगी। और साथ ही गोल्डन वीक हॉलीडेज के चलते एशियाई बाजारों में चीन के बाजार जो है वो आज के दिन भी बंद रहेंगे। तो ये तो हुई इंडेक्स की बात, लेकिन एनर्जी पैक और साथ ही अगर रुपए की भी बात की जाए और साथ ही अगर डाओ और अमेरिकी बाजार में किस तरह से कल इंडेक्स बंद हुए ये भी बता देना चाहूंगा। एक बार डाओ में 54 अंकों की बढ़त दर्ज की गई, कंज्यूमर और यूटिलिटी स्टॉक्स में कमजोरी थी तो S&P फ्लैट बंद होता हुआ दिखा और साथ ही एप्पल के अच्छे प्रदर्शन के कारण नैस्डैक जो है वहां पर बढ़त के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। तो ये कुछ अमेरिकी बाजारों के क्लोजिंग ट्रिगर्स थे। और साथ ही अगर एनर्जी पैक और रुपए की बात की जाए तो 4 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल पहुंच चुका है, कच्चा तेल 1.5% से ज्यादा चढ़ा है, ब्रेंट क्रूड लगभग $86 प्रति बैरल के पास फिलहाल कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और कल ही की तरह आज रुपए में भी खास फोकस रहेगा क्योंकि क्लोजिंग के दरमियान 43 पैसे की कमजोरी के साथ 73.74 रुपए पर क्लोजिंग होते हुए दिखी थी। तो ये तमाम फैक्टर्स है, ट्रिगर्स है जिसके चलते अमेरिकी बाजार ठीक ठाक लग रहे थे लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत जो है सुस्त होते हुए दिख रही है। ठीक है, सेंसेक्स निफ्टी को दोबारा देखेंगे और एक बार देखेंगे तमाम एशियाई बाजारों को, खासतौर से हैंगसेंग को, कि वहां पर क्या रुझान। देखिए, अब सेंसेक्स निफ्टी में बिकवाली बढ़ते हुए अब 130 अंक लुढ़का हुआ है, 10773 पर एक कर रहा है ट्रेड, यानी 10750 का स्तर भी तोड़ने की तैयारी में है सेंसेक्स निफ्टी। अब देख लेते हैं कि जो एशियाई बाजार है स्पेशली हैंगसेंग, वहां पर क्या रुझान है। 325 अंक लुढ़क चुका है हैंगसेंग, अभी कुछ मिनट पहले ही 250 अंक की कमजोरी थी, अब 100 अंक की कमजोरी और बढ़ गई है, तो संकेत अच्छे नहीं है हैंगसेंग से भी मौजूदा जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ अब पूरी टीम तैयार है। मानसी ने तो आपको बताया है कि इंटरनेशनल मार्केट से अपडेट कैसा है, पूजा मौजूद है बताने के लिए कि खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं जो बताएंगे कि ये कमजोरी के बाद जो संकेत मिल रहे हैं कैसी शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है और लेवल्स कौन से रहेंगे अहम। लेकिन एक बार देखेंगे कि कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कल भारतीय बाजारों में भी बिकवाली हावी हुई और कैश मार्केट में FIIs की ओर से बिकवाली हुई है 1550 करोड़ की। DIIs ने हालांकि कल की कमजोरी को इस्तेमाल किया है खरीदारी के लिए और 1400 करोड़ की खरीदारी उनकी ओर से हुई है। F&O में FIIs ने 2000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस के आंकड़े भी। इंडेक्स फ्यूचर्स में
कल के बाजार में एफआईज ने लगभग 699 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स ऑप्शंस भी उन्होंने बेचे 1357 करोड़ के और स्टॉक फ्यूचर्स ने 50 करोड़ की बिकवाली की है। तो यह संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आज की ओपनिंग से पहले, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि शुरुआत कैसी होगी और रणनीति आपको क्या रखनी है। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, ये एशियाई बाजार से तो संकेत एकाएक काफी खराब हो गए हैं। एसजेक्स निफ्टी अब 140 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा सरप्राइज भी है एक्चुअली, इतनी तेज गिरावट कोई ऐसी बहुत बड़ी वजह तो नहीं है। हाँ, इंडिया स्पेसिफिक वजह तो दिख रही है कि भाई रुपया कमजोर हो रहा है, कच्चा तेल भी 86 के आसपास है, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कि एकदम से अप्रत्याशित होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद एशिया में भी तेज गिरावट है और दोनों सेक्टर हमारे अपने खराब है, तो थोड़ा डर वाला माहौल है। और 150 पॉइंट के नीचे होना थोड़ा सा समझ के बाहर वाली चीज है, तो देखते हैं अभी क्या कुछ होता है। एक्चुअली एक बात और कही जा रही है कि वो ये कि करेंसी मार्केट जो दुबई में रुपया जो ट्रेड होता है वो 74-75 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, तो कहीं कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद करेंसी में कमजोरी और ज्यादा तेज हो सकती है, और उस वजह से मुझे लगता है कि बाजार ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं आपको कमजोरी की तरफ, और इसलिए हो सकता है एसजेएक्स भी काफी तेजी से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कहीं कहीं अब करेंसी मार्केट को संभालने के लिए आरबीआई को या फिर सरकार को आना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्केट के लिए बड़ा मुश्किल वाला मामला हो सकता है। अब जहां तक दीपाली आज की ट्रेडिंग रेंज का सवाल है, देखिए अब अगला अहम सपोर्ट 10,800 है, ठीक है। अगर 10,800 के नीचे ही खुलते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है, और वो इसलिए कि ढेर सारी ऐसी तेजी की पोजिशन है जहां पर दबाव बनेगा और वो तेजी के पोजिशन वाले ट्रेडर्स अपनी बिकवाली करने आएंगे, तो 100 पॉइंट की जगह आराम से 10,800 के नीचे खुल जाती है, 10,700 तक की रिस्क खुल जाती है, वहां तक जाने की आशंका बन सकती है पहली बात। ऊपर की तरफ 10,950 ये वो अहम लेवल है जिसके पार जाना मुश्किल है, इनसे कब इतना गैप से खुल जाएंगे तो और लेवल नीचे के आ जाएंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ऊपर की तरफ 25,200 को पार करेंगे तो ही ताकत नजर आएगी। अभी तक अच्छी बात है कि हम लगभग एक दिन को छोड़ के हर रोज 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे हैं। नीचे की तरफ 24,700 ये अगला अहम सपोर्ट है, इसके टूटने के बाद 200 पॉइंट की स्कोर खुलती, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 24,725-200 बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है, और 10,800-10,950 अगर निफ्टी ये रेंज को होल्ड कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। 10,800 के नीचे फिर सीधा 100 पॉइंट की गिरावट और बनती है। तो ये हैं लेवल्स दोनों ही इंडेक्स के जो रहेंगे अहम। आज के लिए कोई स्पेसिफिक शेयर या फिर सेक्टर्स जहां पर ध्यान दें? देखिए एक तो वही है कि कमजोर क्वालिटी के शेयरों में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, दूसरा ये कि सेफ कुछ नहीं है बाजार में। आप देखिए रुपया लाइफ टाइम लो पर है, उसके बावजूद कल टीसीएस जैसा स्टॉक इतना बुरी तरह से गिर जाता है बिना किसी वजह के, यानी कि जिसके पास बड़े इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर है वो उन्हें बेचना है, तो आप क्या लेके चलेंगे कि कौन सा सेक्टर सेफ है? हाँ, ये जरूर है कि कच्चे तेल से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स ये खराब रहेंगे, खराब है, तो चाहे एविएशन देखें चाहे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर देखें जो कल ऊपर कूद कर आए हैं, वहाँ थोड़ा सा फिर से दबाव बन सकता है। हाँ, एक ही जगह थोड़ी मजबूती दिखती वो है एल्यूमिनियम। कल भी फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम के दाम 4% बढ़े हैं, तो वो एक स्ट्रेस है या इन्फ्लेशन से थोड़ी खरीदारी आ सकती है, लेकिन दिक्कत वही है ना दीपाली की, बाजार जब पूरा खराब हो तो आप खरीदारी कहाँ और कितनी देखेंगे। बिल्कुल जी, शुक्रिया अनिल जी आपका ये व्यू देने के लिए। तो आज के लिए निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो 10,800 से 10,950 के बीच रहने की संभावना है। बैंक निफ्टी 24,700 से 25,200 के बीच कारोबार कर सकता है। तेल कंपनियों के स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे, मेटल स्टॉक जैसे कि अनिल जी ने बताया भी, लंडन मेटल एक्सचेंज में जो एल्यूमिनियम के दाम है वो 4% बढ़े हैं, तो उसका इंपैक्ट दिख सकता है। कल हम चर्चा कर भी रहे थे कि नॉर्स हाइड्रो की जो रिफाइनरी है उसके शटडाउन की खबरों की वजह से दामों में ये बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन हम फोकस करेंगे स्टॉक्स पर कि खबरें कौन सी हैं और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। रुक कर लेते हैं स्टॉक इन न्यूज का। पूजा है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग, शुरुआत पहले आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पर आज नजर रखिए, कंपनी की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, आरकॉम की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसमें हम आपको बता दें कि एरिक्सन ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, 550 करोड़ बकाया ये पूरा मामला था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 7 दिन के एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, तो रिलायंस कम्युनिकेशन आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक ये भी आज फोकस में रहेंगे।
कैपिटल फर्स्ट के शेयरधारकों की आज बैठक होगी और इसमें आईडीएफसी बैंक के साथ मर्जर पर विचार किया जाएगा। तो इन दोनों ही शेयरों पर नजर रखिए। कुछ और खबरों में आज तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में रहेंगी। आरबीआई ने ईसीबी के जरिए रकम जुटाने की मंजूरी दे दी है और ये बड़ी राहत की खबर है। इसमें पहले एक सीमा थी कि 75 करोड़ डॉलर तक ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी जुटा सकती थी, अब वो ओवरऑल लिमिट बढ़ा दी है और इस लिमिट को बढ़ाकर 1000 करोड़ डॉलर कर दिया है। सभी कंपनियों के लिए ओवरऑल लिमिट है ये, जिसको कि बढ़ा दिया गया है और अगले 3 से 5 साल के मेच्योरिटी के लिए ये रकम जुटा सकती है। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को यह फायदा होगा कि वो सस्ते कर्ज जुटा सकती है इस बोरिंग, ये जो बोरिंग विंडो खुली है उसके जरिए। और हम देखेंगे कि रुपी में जो लगातार कमजोरी हुई थी उसके चलते भी आरबीआई ने डिसीजन लिया है। तो इस खबर के चलते आज तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखिए। एलएनटी आज फोकस में रहेगा। बोर्ड ने 15 अक्टूबर बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय की है और इसके अलावा 1475 रुपए का भाव भी तय कर दिया गया है 9000 करोड़ के बायबैक के लिए। तो एलएनटी पर आज फोकस रखिए। गति, कल हमने देखा था 20% तक की शानदार तेजी स्टॉक में देखी गई थी। जेवी में हिस्सेदारी बेचने की खबरें थी, इस पर कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया है कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और जेवी में जो हिस्सेदारी बेचने की खबर आई थी टीवीएस लॉजिस्टिक्स को, अभी उस पर फाइनल निर्णय कुछ नहीं लिया गया है। तो इसके चलते आज गति भी फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ खबरें आ रही हैं कि बैंक अपनी 51 शाखाएं बंद कर सकती हैं। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है और नुकसान में चल रही जो शाखाएं हैं उसको बंद करने का निर्णय बैंक ले सकती है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे नजर रखिए। बायबैक से जुड़े भी कुछ अपडेट आए हैं। एनएलसी इंडिया 9 अक्टूबर को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक पर विचार किया जाएगा और इसके अलावा जस्ट डायल ने भी रिकॉर्ड डेट तय कर दी है अपने बायबैक की। 12 अक्टूबर से कंपनी का बायबैक खुलेगा और 800 के भाव पर 220 करोड़ के शेयर बायबैक किए जाएंगे। एक खबर आईपीओ से जुड़ी भी ले लेते हैं। दिनेश इंजीनियर्स आईपीओ, कंपनी ने अपना आईपीओ विड्रॉ कर लिया है। दूसरे दिन केवल 8% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और कमजोर बाजार के चलते यह डिसीजन लिया गया है कंपनी की तरफ से। शुक्रिया पूजा आपका ये खबरों वाले स्टॉक्स बताने के लिए। एक बार एसजेएक्स निफ्टी और हैंगसेंग को फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आगे की रणनीति को समझेंगे। एसजेएक्स निफ्टी 111 नीचे ट्रेड कर रहा है 10772 के लेवल्स पर और हैंगसेंग जो 450 अंक लुढ़का हुआ था, एक बार देख लेते हैं कि वहां क्या एक्शन है और अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है या फिर कहें कि शुरुआती वॉलिटिलिटी काफी हावी है। 450 से अब सीधे 275 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 26804 के लेवल्स पर। लेकिन आज बाजार में आपको रणनीति क्या रखनी है इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कावी स्टॉक ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एनालिस्ट अरुण मंत्री मौजूद। अरुण गुड मॉर्निंग, पहले तो निफ्टी पर ही बताइए, संकेत तो काफी खराब है, एसजेएक्स निफ्टी से कैसी शुरुआत हो सकती है और ट्रेड कैसे लें फिर? गुड मॉर्निंग, अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें निफ्टी का भी ट्रेंड काफी बेरिश लग रहा है। नीचे में 200 डे मूविंग एवरेज का एक फाइनल सपोर्ट है निफ्टी में जो कि समवेयर अराउंड 10440 से 10420 के आसपास आता है। नो डाउट आज 100-120 पॉइंट का गिरावट से खुलता है तो मार्केट नो ट्रेड जोन में रहेगा। फिर भी अगर 40 से 50 पॉइंट की रिकवरी ओपन में आती है तो शॉर्ट करने की राय रहेगी। 10,900 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 10,740 से 10,720 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो बिकवाली की राय 10,740 के लक्ष्य के लिए 10,910 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। स्टॉक्स कौन से रेकमेंड करेंगे आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक में हमें लग रहा है कि पीएससी जो यूनिट है उनमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ नजर आया था कल के सत्र में भी, तो बीईएमएल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। नीचे में 590 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 635 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स में काफी शॉर्ट पोजीशन कल के सत्र में ऐड हुए तो इस स्टॉक को शॉर्ट करें, 825 का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में 770 का टारगेट रखें। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस आपको दी गई हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल में बिकवाली की राय है 770 के लक्ष्य के लिए, 825 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी रिकमेंडेशन जो मिली वो है बीईएमएल पर, खरीदारी का व्यू है 635 का लक्ष्य, 590 का रखिए स्टॉप लॉस। कमोडिटी बाजार पर अब एक आउटलुक ले लेते हैं। केडिया कमोडिटीज का अजय केडिया हमारे साथ मौजूद है। अजय गुड मॉर्निंग, पहले तो अपनी राय क्रूड पर ही दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेजी बरकरार है, $86 के नजदीक कर रहा है ट्रेड आज। घरेलू बाजार में कैसे पोजिशन बनाए? अगर क्रूड की बात से कल के सेशन में हमने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा, डिस्पाइट कल इन्वेंट्री भी बढ़ता रही थी, डिस्पाइट डेट मार्केट में ब्राजील ढंग से देखे कि ईरान कंसर्न से पहले ईरान के जो एक्सपोर्ट में ड्रॉप आया है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो इन ऑल लग रहा है आज के सेशन में भी अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में तेजी का रुख रहेगा। आज के लिए 56.20 पे लेके चलना चाहिए, 5680 से 5700 का टारगेट देखने मिल जाएगा। ठीक है, गोल्ड पर क्या करेंगे? कल तो जोरदार तेजी बनी थी घरेलू बाजार में, आज के लिए कोई रणनीति? दीपाली, गोल्ड में मुझे लगता है अभी भी तेजी का रुख है। नो डाउट इंटरनेशनल मार्केट में वापस एक ठहराव आ चुका है, जिसम से डॉलर इंडेक्स में 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट में जिसम से रुपये में गिरावट है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को अच्छी सपोर्ट दे रहा है। तो आज के लिए भी मुझे लगता है कि गोल्ड में बाय करके चलना चाहिए, गति जब 350 के करीब, ऊपर में गति जब 500 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही मेटल्स यहाँ पर कोई ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल्स में?
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो एल्यूमिनियम के दामों में जोरदार उछाल दिखा है। डेफिनेटली पूरे बेस मेटल पैक में पिछले 15 दिन से हमने काफी अच्छी तेजी देखी। इनफैक्ट चाइना मार्केट हॉलीडे पे है, फिर भी हमने देखा कि कुछ कंसर्न्स की वजह से प्राइसेस में जंप है। तो अभी भी एल्यूमिनियम में मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जो ऊपर में 168 से 172 तक का लेवल देखने मिल सकता है। और जो हिडन जेम्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर में रैली अभी भी बाकी है, कॉपर भी ये लेवल पे ले सकते हैं, ऊपर में 474 तक के लेवल कॉपर में भी देखने मिल जाएंगे। ठीक है, रुपए पर आपका आउटलुक? दिवाली रुपए में 73 का काफी क्रूशियल लेवल था, बट जिस वॉल्यूम से और जिस न्यूज से मार्केट ने तोड़ा है तो आई थिंक रुपए में गिरावट और बढ़ सकती है, जो मुझे लगता है 73.80 से लेकर 74 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अजय ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो रुपया और कमजोर हो सकता है, 73-90 तक आने की संभावना है, ये अजय केडिया का व्यू है। लेकिन ब्रोकरहाउसेस की रिपोर्ट्स किन स्टॉक्स पर आई हैं, अब ये समझ लेते हैं। और संदीप ग्रोवर हमारे साथ मौजूद हैं पूरी डिटेल्स के साथ, बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली, पहले मैक्वेरी की इंडिया स्ट्रेटजी रिपोर्ट आई है उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। छोटी अवधि में उनका मानना है कि जो आउटलुक है इंडियन मार्केट्स का वो थोड़ा सा हिजी है, उनको साफ नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा जो भरोसा है वो भी कम होता हुआ दिख रहा है निवेशकों के बीच में। उनका ये मानना है कि अभी जो स्ट्रेटजी वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो महंगे डिफेंसिव शेयर हैं उससे फिलहाल निकल जाना चाहिए, और इसके बजाय जो सस्ते साइक्लिकल शेयर हैं इनमें निवेश करना चाहिए। उनका ये मानना है कि आईटी, इंडस्ट्रियल, ऑटो, सीमेंट और रियल्टी, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे उनका पॉजिटिव आउटलुक है। लेकिन FMCG, फार्मा और NBFCs, ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे उनका नेगेटिव आउटलुक है। और निजी बैंक, एनर्जी, मेटल और मीडिया, यूटिलिटीज, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग की राय दी है। तो छोटी अवधि में कहीं ना कहीं जो निवेशकों का भरोसा है वो कम दिख रहा है, और यहाँ पे जो आउटलुक है वो भी साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप सेल पे नजर रखिए, एडलवाइज ने स्टॉक को अपग्रेड किया है टारगेट प्राइस के लिहाज से। 70 रुपए था पहले, उसे बढ़ाकर अब 87 रुपीज किया है। बाय रेटिंग अब भी बरकरार है, एक तो जो मॉडर्नाइजेशन ये कर रहे हैं, दूसरा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा हो रहा है इससे इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। और वैसे भी जो कॉस्ट कंट्रोल्स हैं वो कंपनी कर रही है, और कॉस्ट को लेकर जो कंसर्न्स हैं वो भी अब कम होती हुई दिख रही है, जिस वजह से एडलवाइज ने सेल का टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है। लेकिन अदानी पोर्ट्स पर गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने टारगेट प्राइस को कम किया है, 455 था उसे घटाकर 414 किया है। बाय रेटिंग अभी बरकरार है। कुछ दो तीन कंसर्न्स हैं जो कि हाईलाइट कर रहे हैं इस रिपोर्ट में, एक तो कमजोर रुपया, दूसरा जो भारत में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं वो, और तीसरा ट्रेड वॉर के चलते जो कार्गो है उसमें स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिस वजह से अदानी पोर्ट का जो लक्ष्य है गोल्डमैन सैक्स ने नीचे की ओर रिवाइज किया है। लेकिन आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट के ऊपर नजर रखिए, जिनकी सब्सिडरी SBL की बैंक गारंटी जो थी वो टर्मिनेट जो की गई है, कॉर्पोरेट गारंटी, वो बड़ा पॉजिटिव मान रही है ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट जो आई है उसमें। UBS ने खरीदारी की सलाह दी है, 1550 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उनका मानना है कि जो टर्मिनेट हुई है कॉर्पोरेट गारंटी एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरी ओर क्रेडिट स्विस का भी यही मानना है कि जो कॉर्पोरेट गारंटी खत्म की गई है ये एक ओवरहैंग कहीं ना कहीं जो लंबे समय से था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। न्यूट्रल रेटिंग हालांकि उन्होंने दी है, 1250 रुपए का लक्ष्य है स्टॉक को लेकर। इसके अलावा सिटी गैस कंपनियों पर नजर रखिए, यहां पर एक डॉयश बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें उनका मानना है कि हाल में जो गैस प्राइसेस बढ़ाए गए थे, डोमेस्टिक गैस प्राइसेस सरकार की ओर से, उसके बाद IGL और गुजरात गैस दोनों ने अपनी कीमतें बढ़ाई हैं, और ये इनके लिए पॉजिटिव है, खासतौर पर मार्जिन की जहां तक बात है। उनका यह भी मानना है कि इन दोनों कंपनियों की, IGL और गुजरात गैस की बात करें तो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, यहां पर निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। लेकिन आज एक अहम डेवलपमेंट भी है, और वो ये है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा आज से शुरू हो रहा है, और इस दौरे में क्या खास हो सकता है ये सब बताने के लिए मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा मौजूद है, जान लेते हैं सुमित से। बताइए सुमित, इस दौरे की इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह समझिए कि इस दौरे में कई बड़ी डिफेंस डील को लेकर बातचीत हो सकती है। 5 अक्टूबर को वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डिफेंस में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए के एक बड़े सौदों को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है, जिसमें S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर कुछ एक बातचीत होने जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे ही जो डील है इसके कुछ और अलग मुद्दों की बात करें तो उसमें जो A-103 असॉल्ट राइफल हैं उनको लेकर बातचीत हो सकती है। HAL और रोस्टेक के बीच में भी एक करार होने की बातचीत, और इसमें हो सकता है HAL जैसी कंपनी के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। और साथ साथ कुछ ऐसी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इसरो के कर्मचारी हैं उनकी रशिया में ट्रेनिंग्स को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है। तो क्रूशियल डील है, क्रूशियल मीटिंग है, और क्रूशियल मीटिंग के अंदर बहुत सारे डिफेंस को लेकर करार हो सकते हैं। आज के लिए आप तमाम डिफेंस कंपनियों में स्पेशली HAL के ऊपर आप नजर रखें जिसके करार की बातचीत हो रही है, प्लस BEL, BEML जैसी कंपनियों के ऊपर आप बात कर सकते हैं, या फिर भारत फोर्ज, रिलायंस नेवल जैसी जो कंपनियां हैं इनके ऊपर ध्यान रखें। कोई भी अगर सौदा होता है तो इन शेयरों में, इन कंपनियों के अंदर कुछ हलचल देखने को मिल सकती है।
तो डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और कल भी हमने BEML जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनते हुए देखी भी थी। शुक्रिया सुमित आपका ही डिटेल्स बताने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक बार एशिया बाजारों को फिर से देखेंगे, एसजेक्स निफ्टी को देख लेते हैं और देखते हैं कि निकाई हैंगसेंग यहाँ पर कैसा कारोबार हो रहा है। एसजेक्स निफ्टी 112 अंक नीचे है, हैंगसेंग वापस 450 अंक नीचे कर रहा है ट्रेड। शंघाई का बाजार आज बंद है, इनफैक्ट पूरे हफ्ते जो चीन के बाजार है वो बंद रहे हैं, तो ये लेवल्स पुराने आ रहे हैं। साथ ही आप देखिए स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी ताइवान यहाँ भी 1-1% तक की बिकवाली मौजूदा समय में दिख रही है। तो शुरुआत जो है एशिया बाजारों की वो काफी कमजोरी के साथ हुई है।